अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब बेग गाश फाउंडेशन की तरफ से आज आपके सामने फिर से हूँ। बेसिकली यहाँ पे हम आए थे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करने, तो वो एग्ज़ाम हम मतलब करते थे ऑन द बेस 10th प्लस जनरल नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे हम मतलब आए तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। टोटल कितने स्टूडेंट्स ने आज इस पर अपील किया? बेसिकली जो मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम आए थे बच्चे देने वो 131 थे। जो आज आपने एग्ज़ाम बच्चों का लिया, इसके बाद क्या होगा? बेसिकली जो यहाँ पे एग्ज़ाम मतलब देने आए थे, तो हमने इससे पहले भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था श्रीनगर में, तो हम एक मतलब जॉइंटली मतलब एक निकालेंगे यहाँ पे रिज़ल्ट, तो जो उसमें टॉप 30 टॉप 40 में आएंगे तो हम इनको टोटली फ्री स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। आई एम सुरेंद्र सिंह चिप, सीनियर लेक्चरर हियर एंड एक्टिंग प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोरेन कोट। टुडे उम्मीद स्कॉलरशिप टेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय घास फाउंडेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर 10th क्लास। इट इज़ ए स्कॉलरशिप टेस्ट, अ टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय द घास फाउंडेशन। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द लोकेलिटी, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज कलेक्टेड हियर एंड गिवन ए स्कॉलरशिप टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्बास काजमी सोनकोट से। एक्चुअली ये हमारे शोएब सर हैं, इन्होंने सोनकोट में श्रीनगर में इन्होंने ऑलरेडी प्रोग्राम किए हैं। ये लास्ट 5 ईयर से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं और ये मैं स्टार्टिंग से इनसे जो फाउंडेशन है इनके साथ काम कर रहा हूँ। एक्चुअली जब मुझे ये पता लगा तो मैंने इनको बोला कि हम यहाँ पर भी ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। पहले तो इनका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने मेरे कहने पे यहाँ पे आके इतना बड़ा प्रोग्राम नकल किया, और मैं अपनी सारी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम सब ने मिलजुल के यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम किया। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे बच्चे हमारे साथ यहाँ पे आएंगे या इतना पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बच्चों ने भरपूर तरीके से यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने आज एग्ज़ाम क्लियर, एस्टिमेटेड 150 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो अच्छे तरीके से हमने इंशाल्लाह, हमारे जो वाइस प्रिंसिपल साहिब हैं, जो स्कूल का अदर स्टाफ है, उन्होंने भी अच्छा हमारा साथ दिया, तो हम इंशाल्लाह आगे भी ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ गाश फाउंडेशन के तमाम अरकान को, खासकर शोएब बेग साहब को और इनकी पूरी टीम को, जो यहाँ पे जिन्होंने पूरी इंटायर यूटी में सुरनकोट इलाके को जो है वो चूज़ किया। हम इनको तहदिल से मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम सुरनकोट के अवाम की जानिब से। उसके बाद इनके साथ इनके इश्तराक में जिसने यहाँ पे कंडक्ट करवाया, जनाब SBS फाउंडेशन के तमाम अरकान, बासित साहब और बाकी इनकी तमाम पूरी टीम जो यहाँ पे मौजूद हैं, अब्बास साहब हैं, बाकी तमाम जफर भाई हैं, तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से सुरनकोट की अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव से जो है हमारे जो आज का यंगर जनरेशन है, जिनमें अवेयरनेस की कमी है, यूथ में जो एकेडमिक्स की और मोबालाइजेशन की जो कमी है, उनमें बेहतर रोल किरदार कर सकते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं। एक बार फिर से और मैं इस उम्मीद के साथ इनको शुक्रिया अदा करूंगा कि आने वाले वक्त में भी हमारे सुरनकोट इलाके के देखिए हमारे पास जो 10th पास और 12th पास बच्चे हैं, जो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम देखा जाता है स्कूल ड्रॉपआउट्स हो जाते हैं, एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं कर पाते, तो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में हमारे पास जो बच्चे हैं उनको बाहर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के साथ मोबिलाइज करके उनको वहाँ पर एडमिट कराने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गाश फाउंडेशन, जिसके हमारे पास डायरेक्टर हैं बेग साहब, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ सुरनकोट के अंदर यहाँ पर आए, और इंशाल्लाह अच्छा इन्होंने किया। यहाँ पे बहुत कम वक्त में यहाँ पे हम रात रात को बैठ के हमने मोबिलाइजेशन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। टोटल कितने बच्चे अपीयर हुए हैं? मोर देन हमारे पास 140 जो है वो कैंडिडेट्स वो अपीयर हुए हैं, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पे, तो उम्मीद करते हैं कि स्कूल की तरफ से कोई सपोर्ट मिला। जी, स्कूल के स्टाफ और वाइस प्रिंसिपल साहब हमारे पास बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, वो पूरा का पूरा स्टाफ ऑलमोस्ट जो डिप्यूट किए गए थे वो शाम तक हमारे पास यहाँ पे रहे, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का और मोर ओवर हमारे पास बेग साहब का और जितनी सारी टीम है, हमारे एडवोकेट साहब और जितने भी हमारे पास मेरे भाई जो हमारे पास यहाँ पे हैं, इन सबका मैं शुक्रिया।